गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद मिंद्री आपके सामने भी प्रस्तुत हूँ कक्षा 6 को लेकर के। बच्चों, जैसा कि पहले हम लोगों ने ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियों में आपको बहुत सारे कुछ होमवर्क दिए थे, आप जाहिर सी बात है आप उस होमवर्क को अपने हॉलीडे कॉपी में कंप्लीट कर ही चुके होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में नया चैप्टर जिसका पाठ है पुरुष एवं लड़का, पुरुष एवं लड़का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस पाठ में ये पुरुष कैसा जो है क्यों आए हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दोगे कि जब हम लोग पढ़ते हैं शब्द भेद संज्ञा स्वरनाम विशेषण क्रिया, तो शब्द भेद में जो स्वरनाम होता है उस स्वरनाम की एक भेद जो होता है, जब सबसे पहला भेद जो होता है वो पुरुषवाचक स्वरनाम होता है। उन्हीं पुरुषवाचक स्वरनाम में से इस भेद को लिया गया है। तो पुरुषवाचक स्वरनाम को सबसे पहले हम जानेंगे कि यह क्या है। इसको संस्कृत में से पुरुष के नाम से जानते हैं। तो पुरुष क्या है? तो वो स्वरनाम जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला, जैसा मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, और किसी अन्य के बारे में कहा जाता है, उसे हम पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। एक बार फिर से मैं परिभाषा इसकी बता दूं कि पुरुषवाचक स्वरनाम वो स्वरनाम है जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला एवं किसी अन्य के बारे में कहा जाता है, उसे हम पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। संस्कृत में पुरुषों को तीन भागों में बांटा गया है। जैसा कि आपकी किताब में आप देखोगे कि पुरुष को तीन भागों में बांटा गया है। ये हो गया पुरुष। पुरुष को आप तीन भागों में बांटते हैं और इसका नाम बताते हैं। इसको कहते हैं प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। उसके बाद हम आते हैं मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और अंत में उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो आप जानेंगे बारी बारी से कि प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है और उत्तम पुरुष क्या है। तो जैसा कि आपके किताब में है, वक्ता जिसके विषय में बात करता है, वक्ता जिसके विषय में बात करता है, अर्थात वह पुरुष जिसमें वक्ता किसी के बारे में कुछ कहता है या बोलता है या किसी के बारे में बातें करता है, उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। और इसके अंतर्गत कुछ स्वरनाम आते हैं। उन स्वरनामों को मैं आपके सामने लिखता हूँ जो आपके किताब में दिए गए हैं। यानी इन स्वरनामों के अंतर्गत स्व, संस्कृत में स्व जिसको व कहते हैं, स तो का होता है व दोनों या वे दोनों, और ते का होता है वेसर। इनके अर्थों को मैं नीचे में लिख देता हूं। स का हो गया व, तो का हो गया वे दोनों या व दोनों, आपकी किताब में है व दोनों, और ते का हो गया वेसर। तो हम मार देते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा वे स या वे लोग भी हम लोग करते हैं। अब हम आते हैं बच्चों मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है? वक्ता जिससे बात करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं और आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। क्या तुमने ग्रीष्म अवकाश के भेद कार्य बनाया? सुना, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो यह जो है मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, अर्थात वक्ता जिससे बात करता है, अर्थात सुनने वाला, यानी वह स्वरनाम जिससे किसी से बात की जाती है या जो सुनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। इसके अंतर्गत आप देखोगे कुछ स्वरनाम आते हैं, जैसे त्व, त्व, युवा, युवा और युय, युवा, युय। आप देखोगे इसके अर्थ को भी मैं लिख देता हूं। का होता है तुम, युवा का होता है तुम दोनों, और युयो का होता है तुम सब, तुम सब या तुम लोग भी हम लोग कर सकते हैं। अब हम आते हैं अंत में उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वह पुरुष है जिसमें वक्ता अर्थात बोलने वाला स्वयं होता है, वक्ता अर्थात बोलने वाला स्वयं होता है,
उसे हम दुरुस्त करते हैं, जैसे अहम, हवा, हवा, वय। आप इसमें देखोगे कि अहम इन दोनों शब्दों को मैं लिख देता हूं, अहम का होता है मैं, हवा का होता है हम दोनों, हम दोनों, और वय का होता है हम सब, हम सब। बच्चों आज हम लोग इतना ही जाने कि पुरुष क्या है, पुरुष को कितने भाग में बांटा गया है, तीन भाग में, और उनके रूप में जिन जिन स्वर्णों का आप प्रयोग करते उनके बारे में लिखा गया, जो आपके किताब में दिया गया। बच्चों आप क्या करोगे, इसे आपको कॉपी में लिख लोगे और इसे याद कर लोगे। आपके लिए एक सवाल है कि पुरुष वाचक स्वर्णाम किसे कहते हैं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। पहला प्रश्न, पुरुष वाचक, पुरुषवाचक स्वर्णाम किसे कहते हैं, और पुरुष इनके भेदों को लिखे, इनके भेदों के नाम, नाम भेदों के नाम लिखे। इसमें दो सवाल होता है जो लिखे इनके भेदों के नाम। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।